हेलो मिसेस राय। हेलो मिस्टर राय। मिस्टर अस्थाना, मैं प्रेफर करूंगी अगर आप मुझे मिसेस राय की बजाय मोनिका कहकर पुकारें। वेल मोनिका, लगता है आपने अभी तक अपना तलाक लेने का फैसला बदला नहीं है। मेरा यह फैसला अटल है मिस्टर अस्थाना। मोनिका, जिंदगी के फैसले जवानी की धूप में नहीं, समझदारी की छांव में बैठकर किए जाते हैं, और इसीलिए मैं फिर आपसे। लेकिन तलाक सिर्फ मुझे नहीं, मिस्टर राय को भी चाहिए। तलाक की बात मैंने सिर्फ इसलिए मानी मोनिका, क्योंकि मैं झगड़ा नहीं करना चाहता। मोनिका, ये सुनने के बाद भी आपको तलाक चाहिए? मिस्टर अस्थाना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। शायद मिस्टर कीचड़ में पत्थर फेंकने से छींटे अपने ऊपर ही गिरते हैं। मैं बेकार की इन बातों में नहीं पढ़ना चाहता। आप पेपर्स तैयार कर दीजिए, आज साइन करेंगे। अब सवाल सिर्फ आपके बेटे ने उठाया है। फैसला ये करना है कि तलाक के बाद वो आप दोनों में से किसके साथ रहेगा। कम उम्र का बच्चा माँ के पास नहीं तो किसके पास रहेगा? देखिए मिस्टर साना, जब माँ की नजरें आसमान पर हो तो उसकी टांगों से लिपटा हुआ बच्चा उसकी तरक्की की राह में रुकावट बन सकता है। अभी माँ के पास उसके लिए वक्त नहीं होता। इस बात का जवाब मिंटू खुद आपको देगा मिस्टर। लेकिन बगैर किसी खास वजह के बच्चे को बाप से भी जुदा नहीं किया जा सकता। बच्चा आप किसके पास रहता है? मिंटू 7 दिन मेरे पास रहता है और 7 दिन अपने फादर के पास। बच्चे को इसमें कोई एतराज तो नहीं है? मुझे जब वो 7 दिन अपनी माँ के पास रहकर आता है तो इतना बिगड़ चुका होता है कि उसे समझाते समझाते मेरे 7 दिन गुजर जाते हैं। मैं मिंटू को हमेशा के लिए अपने पास रखने के लिए तैयार हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ कि मिंटू हमेशा मेरे पास रहे। मेरे ख्याल में जैसा भी चल रहा है कुछ दिन और चलने दीजिए। आप डिवोर्स के पेपर्स तैयार करवा दीजिए मिस्टर अस्थाना। गुड बाय मोनिका। कल सुबह मैं मिंटू को लेने आऊंगा। मैं जानती हूँ, मैं उसे तैयार हूँ। बेटा उठो। गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है। उठो, कम ऑन गेट अप। देखो अभी तुम्हारे पापा आ जाएंगे तुम्हें लेने। पापा आ जाएंगे? पापा का नाम सुनते ही बहुत खुश हो जाते हैं। मैं आपकी नाम से बहुत खुश हूँ। मिंटू, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, दूर रहो। मम्मी आप अच्छे कपड़े मत पहना करो। क्यों? क्योंकि जब तुम अच्छे कपड़े पहनती हो तो मुझे दूर दूर रखती हो। और तुम जब अपने पापा जैसी बातें करती हो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। सॉरी सॉरी बेटा, तुम बहुत अच्छी लगती हो। चलो अब जल्दी से नहा लो, तुम्हारे पापा तुम्हें लेने आते हैं। वो इंतजार करेंगे ना मम्मी? नहीं, मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारा यहाँ इंतजार करें। मम्मी लेकिन आपकी तो लव मैरिज हुई थी ना? हाँ हुई थी। चलो अब जल्दी से नहाओ। और टब में सो मत जाना। लक्ष्मी आई थी सर। मिंटू के कपड़े निकाल दिए? बस अभी निकाल देती। अच्छा बाथरूम में नॉक भी कर देना, नहीं तो वो बाथरूम से निकलने वाला नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है। मिंटू जल्दी बाहर आओ, मैं तुम्हारे कपड़े लेकर आती हूँ। अच्छा जल्दी आओ। हाँ देखो मैम सब तुम्हारे नाश्ते पर इंतजार कर रही है, जल्दी आओ।
अरे भाग क्यों गया? तुम्हें कितनी बार बोला है जब आदमी चेंज कर रहे होते तो औरतों को कमरे में नहीं आना चाहिए। आगो भैया नखरा तो देखो इसका, बड़ा आया आदमी। मम्मी मम्मी इसे बोलो ना जब भी मैं अपने कपड़े बदलता हूँ मुझे देखती है। हाय दया इतना सा तो है और बातें करता है इतनी बड़ी बड़ी। ये ले तेरे कपड़े रख कर जाती हूँ, पहन ले और नीचे आ जा। मम्मी 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 आपने कुछ कहा ही नहीं मेरे बारे में। अब तुम लग रहे हो ना मेरे बेटे। कम एंड हैव योर ब्रेकफास्ट। लेकिन गिर जाओगे तुम। लेकिन पापा तो मेरे गिरने से नहीं गिरते मम्मी। उफ़ो, तुम्हारे पापा नहीं तो तुम्हें बिगाड़ के रखा हुआ है। मम्मी क्या मैं बिगड़ा हुआ हूँ? और नहीं तो क्या। जो बिगड़े हुए नहीं होते वो कैसे होते मम्मी? जो शरारत नहीं करते। ज्यादा शरारत तो मैं भी नहीं करता। क्या बोला? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा जल्दी करो नाश्ता, तुम्हारे पापा के आने में सिर्फ 4 मिनट बाकी हैं। पापा कह रहे थे कि आप शादी के पहले भी एक एक मिनट गिनती थी। वो ये सब बातें भी तुम्हें बताते हैं? बहुत मजे लेकर कि पानी तुमने गिराया है? नहीं मम्मी। तो क्या क्या है? बाथरूम का नल बंद करना भूल गए थे क्या? मम्मी आप जल्दी कर रहे थे इस वजह से मैं बाथरूम का नल बंद करना भूल गया। हे भगवान। लक्ष्मी लक्ष्मी बाथरूम का नल बंद कर क्या जरा। मिंटू तुमने तंग कर रखा है मुझे बच्चे। अच्छा उठ जा, जाओ जाके कपड़े बदलो। मिंटू कपड़े बदलो। पापा ए क्या अनलेस ओ चलो मिंटू बाबा। अरे ये आप गीले कपड़े पहन के क्यों आ गए? मैंने बाथरूम की नल बंद नहीं किए थे, सारे घर में पानी भर रहा है, साथ में मैं भी गीला हो गया। अच्छा और मम्मी का कारपेट? आपको अच्छा लगता है? नहीं यार ऐसी बात नहीं, थोड़ा मजा आता। पापा आपकी तो लव मैरिज हुई थी ना। Oh my God. ये लव मैरिज की रट फिर से लगानी शुरू कर दी तुमने। अच्छा पापा I'll not ask you again. मिंटू बाबा जब आप मेरे पास नहीं होते ना तो हमें आपकी बहुत याद आती। मम्मी भी यही कह रही थी। हाँ वेल पापा अगर आप और मम्मी एक साथ रहो तो मैं दोनों के साथ रहूंगा, दोनों का दिल खुश करूंगा। Okay, give me cool. Right on, let's go. Bye. Mintu, सबसे पहले अपने कपड़े चेंज करना, फिर 10 मिनट में तुम्हारी गवर्नेंस आएगी, खूब दिल लगा के पढ़ना। पापा मेरे कैसे तुम लेके आओगे ना? Right on, lunch time पे। Bye bye papa. Bye. Hello Masi. Hello Mintu.
call and see if he's a single. Roger. Roger, I got him. Contact 20 left at 30 miles, 900 knots closure. Cougar, you hear that? Roger. चलो मिंटू, मैं तुमसे बात करता है। अगर ये वीडियो अभी के अभी बंद नहीं किया ना तो मैं इसे उठाकर बाहर फेंक देंगा, समझा? मैं आज नहीं कल पढ़ूंगा पापा। मैंने 3 दिन मैसेज किए हैं। 3? एक चल रहा है, दो इधर है। दिखाओ तो। अरे वाह, क्या बात है। अरे उसको क्यों बंद किया? लगाओ उसको, लगाओ। जब तक तुम सही नहीं करेगा ये नहीं चलेगा। देखो मुझे गुस्सा नहीं दिला। अरे वाह, गुस्सा तो मुझे आता है तुम पर। चलो कम ऑन, गो स्ट्रेट टू योर रूम, गेट गोइंग। नहीं ना कान पकड़ के ले जाएंगे हम। चलो बदमाश कहीं का। अभी तुम खुद ही बैठकर बाहर पढ़ो। मिंटू दरवाजा खोल दो, नहीं तो मैं लात मार के तोड़ देंगा। वो तो मुझे मालूम है, तू औरत नहीं हाथी हो। हाथी मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे तुमसे भी नहीं पढ़ना। मैं आज भी नहीं पढ़ूंगा, कल भी नहीं पढ़ूंगा। अभी मैं अंदर आता, देख। अंदर कैसे आओगे? दरवाजा तो लॉक है। I say open the door, मिंटू। मेरी तू देख के हीरो के मुंह पर सीटी मारता है ना।
ठहरो, बराबर करती हूँ। अरे मिस फैनी, स्विमिंग कर रही हैं आप? Actually it's too hot. स्विमिंग, like father, like son. क्या हुआ? क्या हुआ? आप बताओ, तुम्हारा बेटा ने तो मेरे को पानी में गिरा दिया। देखो मेरा क्या हाल किया है। पर उसने ऐसा क्यों किया? अरे he's a devil. हुआ क्या actually? हुआ क्या? अरे उसको ही पूछो। अभी हम उसको स्टडी नहीं कराएंगा। कब नहीं कराएंगा? आप मुझे स्टडी कराए कब? देखो स्टडी नहीं कराया तो क्या किया मैंने? कभी गाली दी, कभी कान मुर्रा, कभी थप्पड़ दिया। आपने मुझे पढ़ाया कभी? अच्छा क्या ये सच कह रहा है? अरे ऐसा छोकरा को तो ऐसा ही स्टडी कराना मांगता। हम अभी इधर नहीं काम करने को मांगता। हम जाता। मिस फैनी प्लीज, एक चांस और दीजिए प्लीज। नो थैंक यू।